और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस डीआई न्यूज के माध्यम से, जहां एमपी में आज पांचवी और आठवीं बोर्ड का आयकर रिजल्ट दोपहर 3 बजे घोषित होंगे परिणाम, यानी कि आप फिफ्थ और एट्थ क्लास का जो रिजल्ट है वो आप घोषित होगा दोपहर 3 बजे ये रिजल्ट आएंगे। छात्र अधिकारियों पर वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने नतीजे जान सकते हैं, तो वेबसाइट भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ दोपहर 3 बजे घोषित होंगे परिणाम। वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आज पांचवी और आठवीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा दोपहर 3 बजे, ये रिजल्ट घोषित होंगे, परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे दोपहर 3 बजे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वो आपको वेबसाइट भी आपको बता रहे हैं mpbse.nic.in पर आप जा सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि दोपहर 3 बजे रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, इसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण। जिस तरीके से अब दोपहर 3 बजे रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे पांचवी और आठवीं कक्षा के, क्या आप कुछ जानकारी है वो आपसे जानना चाहेंगे कुलभूषण? देखिए, दोपहर 3 बजे पांचवी और आठवीं का आज रिजल्ट घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल पांचवी और आठवीं जो बोर्ड क्लासेस हैं इनके रिजल्ट घोषित करेगी, क्योंकि इसके पहले पांचवी और आठवीं को बोर्ड से हटा दिया गया था और एक बार फिर से जो है इस साल बोर्ड एग्जाम पांचवी आठवीं के हुए हैं। कोविड के दौरान ये देखा गया था कि जो है ऑनलाइन पांचवी आठवीं की क्लासेस होती नजर आती थी, लेकिन इस बार जो है ऑफलाइन क्लासेस पांचवी आठवीं की हुई है। और मध्य प्रदेश में अगर हम छात्रों की संख्या की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे 7 लाख से अधिक पांचवी और आठवीं के छात्र छात्राओं का आज परिणाम दोपहर 3 बजे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वेबसाइट जारी की है, इस वेबसाइट के माध्यम से जो है बच्चे अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण जो है वो सिंगल क्लिक के माध्यम से इस रिजल्ट को घोषित करेंगी और दोपहर 3 बजे जो है ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा, परिणाम जो है पांचवी और आठवीं के जो बच्चे हैं उनके घोषित कर दिए जाएंगे। जी कुलभूषण, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, बच्चों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, बच्चे बड़े ही उत्साहित है क्योंकि हमने 2 साल देखा कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस दी है और ऑनलाइन क्लासेस में यह देखा जाता था कि कई बार बच्चों को समस्याएं उत्पन्न होती थी, लेकिन इस बार जो है तीसरी लहर के बाद मध्यप्रदेश में ऑफलाइन क्लासेस हुई थी और ऑफलाइन क्लासेस के बाद बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला था। अब एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम होने के बाद अब बच्चों को एक अलग ही उत्साह बच्चों पर है कि कब हमारे परिणाम घोषित होंगे और एक बार फिर से जो है हमारे स्कूल शुरू होंगे और स्कूलों में जो है बच्चों की चहल पहल शुरू होगी। क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों से बात करें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लहर में बच्चों के जो स्कूल है वो काफी कम लगे थे, पांचवी से आठवीं तक की जो क्लासेस के बच्चे थे कहीं ना कहीं इनकी जो क्लासेस हैं लंबे समय तक ऑनलाइन चली है, तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके थे। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से जो है अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है बच्चों की और गर्मियों की छुट्टी के बाद अब जो है सभी बच्चों की क्लासेस प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। जी कुलभूषण, जिस तरीके से अब आज नतीजे आ रहे हैं पांचवी और आठवीं कक्षा के जो एग्जाम हुए उसको लेकर के नतीजे घोषित कर दिया जाएगा दोपहर 3 बजे, इस पर जो टीचर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों की तैयारियां हुई है वो ऑनलाइन ही हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो क्लासेस चल रही थी वो ऑनलाइन पढ़ाई देखने को मिली है, तो टीचर्स क्या, उनका क्या रिएक्शन देखने को मिला है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी परिणाम 3 बजे घोषित होगा, उसके बाद ही जो है इस पूरे विषय पर
बच्चे और टीचर से चर्चा करेंगी। हालांकि इंतजार सभी को रहता है क्योंकि साल भर की जो पढ़ाई रहती है उसके परिणाम घोषित होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर रहता है कि कैसा परफॉर्मेंस बच्चों का रहा है, कैसी परफॉर्मेंस जो है टीचर की रही, क्योंकि टीचर साल भर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की लेती हैं और जब परिणाम घोषित होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सबसे अधिक असर टीचर पे पड़ता है, क्योंकि उनकी शिक्षा के द्वारा ही, उनकी दी गई शिक्षा के द्वारा ही बच्चे जो है टॉप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों को ही इंतजार है कि कब परिणाम घोषित होंगे, क्या कुछ मध्यप्रदेश का पांचवी आठवीं का क्लासेस का रिजल्ट रहेगा, ये दोपहर 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा। जी जी कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।